हेलो किसान भाइयों, स्वागत करते हैं हम अपने एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने मक्का को अंतिम सिंचाई कब करनी चाहिए, आपको अंतिम सिंचाई करने के क्या क्या लाभ है। अगर आप अपने मक्का को अंतिम सिंचाई ठीक समय पर नहीं करते हैं तो आपको क्या सब नुकसान देखने के लिए मिलेगा, तो इसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हम अपने मक्का को अंतिम सिंचाई उस समय करना चाहिए जब हमारे मक्का दूधिया अवस्था में हो, यानी मक्का अभी तक पूरी तरीका से पका नहीं हो। किसान भाइयों, अगर आप अपने मक्का को दूधिया अवस्था में सिंचाई करते हैं तो आपके मक्का के दाने का भराव अच्छी तरीका से होंगे, जिससे कि आपके मक्का के दाने जो है चटकेंगे नहीं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर आपके मक्का के भराव अच्छी तरीका से नहीं होंगे तो यह दाने जो है चटक जाएंगे और उनके मार्केट वैल्यू घट जाएंगे। यही सब कारण है कि अगर आप अपने मक्का को सही समय पर सिंचाई नहीं करते हैं तो आपके दाने, आपके मक्का में जो है भुट्टे में, मक्का के भुट्टे ऊपर से खाली नहीं रहेंगे, धीरे धीरे करके पूरे में दाना आ जाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि आधे भुट्टे में हमारे दाने होते हैं और आधे भुट्टे में हमारे दाने नहीं होते हैं। दूसरा फायदा यह है कि अगर आप अपने मक्का को इस समय सिंचाई करते हैं तो मक्के के क्वालिटी जो है बहुत ही बेहतर आएंगे, जिससे कि उनके मार्केट वैल्यू बढ़ जाएंगे, जिससे कि आपको अच्छे खासे मुनाफे होंगे। किसान भाइयों, दाने तो चमकदार होता ही है, साथ में उनका वजन भी बढ़ता है। किसान भाइयों, अगर आप अपने मक्का को अंतिम सिंचाई सही समय पर नहीं करते हैं तो आपको कई सारे समस्याएं मक्का के अंदर देखने के लिए मिलता है। किसान भाइयों, बात करें कि सिंचाई करने के बाद हमें अपने मक्का के खेतों में कौन सा खाद डालना चाहिए, तो आप अपने मक्का के खेतों में कम से कम 25 से 30 केजी पर एकड़ यूरिया को, यानी नाइट्रोजन खाद, आप उनमें डाल सकते हैं, जिससे कि आपके मक्का में जो है दाने का भराव अच्छी तरीका से होंगे। इनके अलावा नाइट्रोजन खाद मक्का के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आप कहें तो हम एक अलग से वीडियो बना दूंगा। किसान भाइयों, अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज का यही था छोटा सा जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।